भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से द्विपक्षीय संबंधों के अलग अलग मुद्दों पर और भारत रूस सालाना शिखर सम्मेलन की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की। लावरोव सोमवार को भारत पहुंचे थे। जयशंकर ने बताया कि हमने अलग अलग मसलों पर बात की है। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत में होने वाली वार्षिक शिखर बैठक के लिए राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा की तैयारियों को लेकर भारत की ओर से ज़्यादातर चर्चा की गई है। एस जयशंकर ने बताया कि हमने परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में दीर्घकालिक साझेदारी के बारे में बातचीत की। विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो भारत को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। एक राजनीतिक समाधान के परिणाम स्वरूप स्वतंत्र, संप्रभु और संयुक्त रूप से अफगानिस्तान पर बात होनी चाहिए। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने भारत प्रशांत क्षेत्र पर भारत के दृष्टिकोण पर चर्चा की। लावरोव ने कहा कि हमने अफगानिस्तान में शांतिपूर्ण समझौते, सीरिया, ईरान, यमन में स्थिति पर चर्चा की। हम संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन में रूस और भारत की अहमियत को मानते हैं। तो वहीं S-400 के मुद्दे पर लावरोव ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा है, लेकिन अगर कोई भी देश जो रूस के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर करना चाहता है उस पर दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। हमने अमेरिका से इन बयानों पर चर्चा नहीं की। हमने कहा कि हम अपने सैन्य और सरकार के सहयोग को मजबूत बनाएंगे। मेक इन इंडिया में रूसी सैन्य उपकरणों के अलावा उत्पादन पर चर्चा की गई। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दोनों मंत्रियों की तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया कि दीर्घकालिक और समय की कसौटी पर खरे उतरें हम सभी सहयोगी। विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का स्वागत किया। लावरोव की यात्रा से पहले रूसी दूतावास ने सोमवार को कहा था कि शुभेच्छा, आम सहमति और समानता के सिद्धांतों पर आधारित सामूहिक कार्यों को रूस काफ़ी अहमियत देता है और टकराव और गुट बनाने जैसे कार्यों को खारिज करता है। दूतावास ने कहा कि भारत के साथ खास सामरिक गठजोड़ रूस की विदेश नीति की प्राथमिकताओं में शामिल है। रूसी दूतावास ने कहा कि लावरोव अपनी यात्रा के दौरान आगामी उच्च स्तरीय बैठकों, द्विपक्षीय संबंधों के अलग अलग आयामों समेत साल 2019 में हुए 20वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के परिणामों के अनुपालन पर व्यापक चर्चा करेंगे। भारत और रूस का सालाना शिखर सम्मेलन पिछले साल कोविड-19 भारत का दौरा खत्म कर लावरोव अब पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और वहां पर उनकी मुलाकात शाह महमूद कुरैशी से होगी, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं।